हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माई एसक्यूएल की है। तो माई एसक्यूएल में खास क्या है, क्या सिखाऊंगा आज? देखिए, माई एसक्यूएल के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स को एक कमांड है जिसका नाम है ट्रंकेट। तो ट्रंकेट को लेकर के काफी कंफ्यूजन रहती है। सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये कि ये जो कमांड है ट्रंकेट, ये किस तरह के कमांड में आता है। ये स्टेटमेंट है ट्रंकेट, तो ये ट्रंकेट स्टेटमेंट हम किस कमांड के अंतर्गत लिखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये जानना होगा, ठीक है? तो ये जान लीजिए कि ट्रंकेट जो होता है वो डीडीएल में आता है। किस में आता है? डीडीएल कमांड में आता है, ठीक है? डीडीएल होता है, डीएमएल होता है, टीसीएल होता है, डीक्यूएल भी होता है। तो अभी ट्रंकेट कमांड किस में आएगा? डीडीएल में आएगा, ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि ट्रंकेट किस में आएगा? डीडीएल में आएगा, ओके? और डीडीएल में जब ट्रंकेट आएगा तो इसका यूज कैसे करेंगे ये भी देखना होगा। तो यूज करने के लिए सबसे पहले तो टेबल होनी चाहिए हमारे पास। तो देखिए, हमारे पास एक बड़ी सी टेबल है जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करा रखे हैं, ठीक है? अब यहां पर हम ट्रंकेट को यूज करके देखते हैं जरा कि ट्रंकेट ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है? तो ट्रंकेट यूज करना है, कौन सा कमांड यूज करना है? ट्रंकेट। ध्यान दीजिएगा, ड्रॉप नहीं यूज करना, हमें क्या यूज करना है? सिर्फ और सिर्फ ट्रंकेट ही यूज करना है, ठीक है? तो चलिए ये ट्रंकेट को यूज करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं डीडीएल कमांड ट्रंकेट। ट्रंकेट एक डीडीएल कमांड है, ये भी याद रखिएगा। तो यहां पर क्लिक करना है और लिखना है ट्रंकेट। इस तरीके से लिखिएगा ट्रंकेट, और ट्रंकेट लिखने के बाद टेबल का नाम। तो ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम है स्कूल टी, SCHOOLT, स्कूल टी। और यहां से टर्मिनेट कर दीजिएगा। अभी देखिए, ये लिखा हुआ है क्वेरी, ओके, जीरो रो अफेक्टेड। अभी इस टेबल का नाम क्या था? स्कूल टी। तो अभी चेक करते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन आया है। चलिए इस टेबल को सेलेक्ट किया जाए। अभी तक तो कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं पड़ा है, लेकिन चलिए सेलेक्ट करते हैं, शायद कुछ चेंजेस हमें पता चले। तो यहाँ पे लिखेंगे स्कूल और फिर यहाँ पे दे देंगे टी और टर्मिनेट करेंगे। तो देखिए, बता रहा है एम्प्टी सेट, यानी कि जो भी इसके अंदर की चीजें थी, चाहे वो डेटा टाइप था, चाहे वो रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्ट कराए गए थे, चाहे जो फील्ड नेम थे, सारे के सारे डिलीट हो गए। यही होता है ट्रंकेट कमांड, और ट्रंकेट एक डीडीएल कमांड होता है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी।